माननीय राष्ट्रीय सरकारी उच्च विद्यालय परिसर में भीम भोई विकलांग सामर्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग सशक्तिकरण विभाग सुंदरगढ़ के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में दिव्यांग प्रमाण है की पात्रता की जाँच की गयी। शिविर में 250 से अधिक विकलांगों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शिविर में सुंदरगढ़ जिला अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित होकर विकलांगों की मेडिकल जांच की और रिपोर्ट आने पर उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भारी भीड़ व कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से दिव्यांगों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ दिव्यांग मरीजों की मेडिकल जाँच नहीं हो पाई। हड्डी रोग की विकलांगता, मंदबुद्धि, दृष्टि बाधित विकलांगता की मेडिकल जांच की गई। रिपोर्ट आने पर उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और विकलांगता परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र के लिए आए विकलांगों को सहायक उपकरण के लिए चिन्हित कर उनका पंजीकरण भी किया जाएगा। वहीं जांच से वंचित कुछ विकलांगों का कहना था कि उन्हें सुबह 10 बजे से बुलाया गया, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं पहुँचने पर उन्हें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा अधिकारियों का रवैया भी विकलांगों के साथ सही नहीं था, जिससे बहुत सारे विकलांग वापस लौट गए। इतना बड़ा शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन विकलांगों को सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश मौजूदा अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। शिविर में फिजिकल चेक के लिए 265 दिव्यांगों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 248 दिव्यांग के मेडिकल चेकअप किए गए हैं। वही मेंटल मरीजों ने 91 ने रजिस्ट्रेशन कराया और 78 दिव्यांग का चेकअप किया गया। 67 मूक बधिर ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 50 का चेकअप किया गया। ठीक उसी तरह दृष्टि दोष के 60 दिव्यांग का चेकअप किया गया। जिनका चेकअप किया गया है, उन्हें वर्तमान समय में प्रमाण पत्र नहीं मिला है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेरा नाम बसंत नीम श्रेष्ठा है। हम लोग यहाँ आए UDID कार्ड बनाने, सवेरे 10 बजे से आए, लेकिन अभी तक डॉक्टर जी पहुँचे नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। आदमी एक तो दिव्यांग है, परेशान है, उसके बाद से भी सरकारी ऑफिसर से भी हम लोग परेशान है कि अब तक वो पहुँचे नहीं जो हमारा काम बने। MD शर्मा साहब, BSSIC राजमपुर म्यूनसिपलिटी। हाँ जी, क्या हो रहा सर? ये सर भीमो भाई सामर्थ्य शिविर योजना का BBSA कैंप हो रहा है, जिसमें से आपका हैंडीकैप आदमी का चिकित्सा किया जाएगा और उसमें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। आगे और इसके लिए क्या सुविधा होगी सर? इसका सुविधा की सर्टिफिकेट के लिए मिलने के बाद में उन लोग का भत्ता पैसा हुआ, DRLN हुआ, CMRF हुआ, और आपका जैसे कि हंडी की पार्टी में मैरिज कैसे मैरिज इंस्टीट्यूट पूरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का हर कोई फैसिलिटी उसको मिलेगा उससे। ये गवर्नमेंट का तरफ से जो हैंडीकेप है भीमो भाई सामर्थ्य शिविर, ये हर साल ये कैंप होता है। इसमें हम लोग का ब्लॉक या म्यूनसिपलिटी के जितना भी बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनका जो फिजिबिलिटी हैंडीकेप वगैरह है, उनका टेस्ट करके मेडिकल रिपोर्ट मिलता है। उसका बाद में जो हैंडीकेप पेंशन जो मिलना चाहिए वो सब 40% अभव होने से उन लोग को पेंशन का आकार में वो मिलता है। उसका साथ साथ में पास, रेलवे पास, बस पास, ये सब भी गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिलता है।